मार्च को टीआरपी गेम जोन दुर्घटना के बाद वडोदरा महानगरपालिका भी हरकत में आ गई है और फायर एनओसी ना होने पर हर जगह को सील किया जा रहा है। प्री स्कूल्स भी वडोदरा में काफ़ी वक्त से फायर एनओसी और बीयू सर्टिफिकेट्स ना होने की वजह से सील कर दिए गए हैं। उसी मुद्दे के मद्देनज़र आज वडोदरा के प्री स्कूल के संचालक पालिका की बड़ी कचहरी म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा से मिलने के लिए पहुंचे थे। दरअसल वडोदरा के प्री स्कूल के संचालकों की ओर से बीयू सर्टिफिकेट और फायर एनओसी के लिए अवधि बढ़ाने की मांग साझा की जा रही है, जिससे कि बच्चों का शैक्षिक सत्र भी चालू रहे और किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। कमिश्नर ने प्रॉपरली हमें हर एक चीज़ हमारी समझने की ट्राई की। हम लोग ये सेकेंड टाइम आए हैं, सर ने पूरे कंसर्न समझे। मेनली दो पॉइंट्स है जो सर ने रिक्वायर मांगे। एक फायर सेफ्टी बोला है जो हमें रिक्वायरमेंट है। फायर सेफ्टी का हमारा ऐसा है कि 9 मीटर के नीचे की बिल्डिंग है तो उसमें हमारा जो फायर एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं बैठ रहा है। बेसिक ABC और CO2 के जो बॉटल्स है फायर एक्सटिंग्विशर वो हमने लगा दिए है। सेकेंड है कि BU है जो बिल्डिंग यूटिलाइजेशन है। जितने भी प्री स्कूल्स है वो मोस्टली सारे बंगलोज में ही चलते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को जो रहता है वो होमली मिलता है एनवायरमेंट। तो उसमें वही है कि जो BU है चेंज ऑफ यूज है उसके लिए हमने अप्लाई करने के लिए जो प्रॉपरली जो पेपर वर्क है वो चालू कर दिया, उसके लिए टाइम मांगने आए हैं। कमिश्नर सर ने हमें यही पूछा कि हम लोगों ने जो हमारी रिक्वेस्ट रखी थी कि हम सबके प्री स्कूल को खोल दिया जाए, एटलीस्ट हमें जो मांगे हैं डॉक्यूमेंट्स उसके लिए हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, मगर वो टाइम हमारे को नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम प्री स्कूल खोल नहीं सकते। अब हम लोग अपने प्री स्कूल में हर तरह का ध्यान रखते हैं बच्चों का, छोटे प्री स्कूल्स हैं, लेकिन सर ने बोला है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए और तब आपके स्कूल खोले जाएंगे। अभिभावकों के लिए भी बहुत मुश्किल है, उन्हें भी नहीं पता उनके बच्चे कब स्कूल जाएंगे, इस तरह से उनका स्कूल पर से भी विश्वास उठ रहा है। ये सब चीज़ें हम सब भी समझते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसके लिए हमें टाइम चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल नहीं रहे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।